चीनी सेना द्वारा सीमा पर भारतीय सैनिकों पर धोखे से किए गए वार से देशवासियों में आक्रोश है। इस आक्रोश के चलते देशवासी चीनी सामान का बहिष्कार कर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। रतलाम के सिद्धांचल एक्सटेंशन कॉलोनी में भी महिलाओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी सामान की होली जलाई। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रकोष्ठ महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री अनीता कटारिया, जिलाध्यक्ष सपना दुबे, महामंत्री रत्ना पाल, मीडिया प्रभारी वंदना जोशी, गुंजा व्यास, स्नेहलता जोशी, मीना टाक विशेष रूप से मौजूद थी। महिलाओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चीनी सामान के बहिष्कार करते हुए स्वदेशी सामान अपनाने की शपथ भी ली। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए कोचिंग संस्थानों को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर शहर के कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। रतलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर रुचिका चौहान को दिए गए इस ज्ञापन में मांग की गई कि 15 मार्च से जिले के सभी कोचिंग संस्थान कोरोना महामारी के कारण बंद हैं। जिले के सभी कोचिंग संचालकों की आजीविका का साधन कोचिंग से ही प्राप्त आय है। कोरोना महामारी के प्रकोप से कोचिंग गतिविधियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जो कि काफी लंबे समय तक रहेगा। सभी कोचिंग संचालकों पर मार्च माह से वर्तमान तक का किराया भी बकाया है, जबकि आय के सभी स्रोत बंद हैं। ज्ञापन में कहा गया कि जब तक कोचिंग संस्थान शुरू नहीं होते तब तक का किराया में रियायत दी जाए तथा कोचिंग संस्थान शुरू करने की अनुमति दी जाए। सभी कोचिंग संस्थान शासन द्वारा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इस मौके पर जिले भर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालक मौजूद थे। ज्ञापन देना है, किस उद्देश्य को लेकर देना है? कोरोना वायरस की वजह से, जो पेंडेमिक था, उसकी वजह से 15 मार्च से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद होने की वजह से ना तो छात्रों की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही हमारी रोजी रोटी चल पा रही है। तो इस समय जो है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स किराए पर चलते हैं, तो या तो उनका किराया माफ़ करा दिया जाए या उनको रियायत दे दी जाए किराए में, या उनके लिए कोई एक राहत कोष स्थापित कर दिया जाए कि इनको राहत राशि मिलेगी। पर बेटर यह है कि पढ़ाई का ध्यान रखते हुए जब सभी चीज़ें खुल गई है और विदेशों में भी सब जगह स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, तो हमारी मांग ये है कि हमारे को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाज़त दी जाए। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं और बड़ी क्लासेस का खोलना चाहते हैं। हम अभी छोटी क्लास का बोल ही नहीं रहे कि 9th से या 9th ऑनवर्ड्स इसको खोल दिया जाए, और उसकी समस्त जवाबदारी आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं कि हमारे यहाँ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा। क्लासेस को हम हर बैच के बाद सैनिटाइज करेंगे, हर बैच के बीच में गैप देंगे, बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग से होगी और सैनिटाइजर्स वगैरह सभी चीज़ रहेगी। तो हम ये आश्वस्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलते हैं तो कोचिंग संचालकों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप अधिकतर सुनने में आ रहा है काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खाली हो चुके हैं, और जो खाली नहीं हुए हैं उनके पास भी अब रोजगार की समस्या आ गई। पावर हाउस रोड पर बन रहे सिटी फोर लेन के निर्माण के चलते की गई खुदाई के कारण यातायात काफी बाधित हो रहा है। खुदाई के कारण गत शाम को एक ट्रक के पहिए धस गए। यह ट्रक पावर हाउस रोड से निकलते वक्त जमीन में धसा। ट्रक धसने से इस मार्ग का यातायात बाधित हो गया। ट्रक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी, जेसीबी एवं पोकलेन मशीन का सहारा लेना पड़ा। सिटी फोर लेन निर्माण करने के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क मार्ग बंद करने की और यातायात मार्ग परिवर्तित करने की सूचना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिसके कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहन से मिलने जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना नामली के पास फोरलेन पर हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। घटना आज तड़के की है। रतलाम के ईश्वर नगर निवासी राहुल कुमावत सुबह 5 बजे करीब घर से मोटरसाइकिल लेकर नामली जाने को निकला। नामली में उसकी बहन रहती है और वह बहन से मिलने के लिए ही नामली जा रहा था। रास्ते में उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसकी लाश फोरलेन पर नामली के पास पड़ी देखकर लोगों ने उसकी सूचना नामली पुलिस को दी। नामली पुलिस मौके पर पहुंची, लाश का पंचनामा बनाकर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृतक की बाइक घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर पड़ी हुई मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शासकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत रहे कर्मचारी नेता कामरेड स्वर्गीय दिनेश आचार्य की पुण्यतिथि पर कर्मचारियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्यप्रदेश तिथि वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर केसी पाठक ने कहा कि
कामरेड दिनेश आचार्य अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक एवं कर्मचारी हितों को लेकर एक बेमिसाल समर्पण की भावना रखते थे। मेरे कार्यकाल में उन्होंने शासकीय ब्लड बैंक को नए आयाम दिए जो प्रदेश में मिसाल बने। इस मौके पर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहर के वाल्मीकि समाज ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए देश के वीर शहीदों को एक कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर सराय स्थित शहीद चौक पर आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। सभी ने मोमबत्ती जलाकर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने चीनी सेना द्वारा किए गए धोखे से वार को गलत बताते हुए कड़ी निंदा की। आज वाल्मीकि समाज द्वारा जो चीन में कायराना हरकत करी गई है, भारत के सिपाहियों के साथ धोखे से वार किया गया है, लेकिन हम भारत के उन सैनिकों पर गर्व करते हैं कि उन्होंने लड़ते लड़ते हुए भी चीन को है तो काफ़ी हद तक के सबक सिखाया। आज हम उन पर गर्व करते हैं भारत के नागरिक होने के नाते, और साथ ही वाल्मीकि समाज ने जो आज उनको नमन किया है, शहीदों को इसलिए नमन किया है कि जब जब कोई भी देश अगर हमारे भारत देश पे इस तरह की कायराना हरकत करेगा तो उसका जवाब भारत के सैनिक के साथ में आम नागरिक भी उसी तरह जवाब देगा। अक्सर खामोश रहने वाला यह शख्स इतना खामोश निकला कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी खामोशी से अलविदा हो गया। हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर गांधीवादी प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेश आनंद का शनिवार शाम देवलोकगमन हो गया। स्वर्गीय श्री सुरेश आनंद विगत कुछ महीनों से बीमार थे, जिनका लगातार उपचार चल रहा था। वे रतलाम प्रेस क्लब के डायरेक्टर, दैनिक हेलो हिंदुस्तान के सिटी चीफ, खबर बाबा के एडिटर, एन टाइम्स के रिपोर्टर, पत्रकार इंगित गुप्ता के पिता थे। श्री आनंद जी की 20 से अधिक मौलिक पुस्तकें हैं, वह 1500 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में अपनी कलम चला चुके हैं। उन्हें साहित्य अलंकार सहित दर्जनों उपाधियों से सम्मानित भी किया जा चुका है। आकाशवाणी दूरदर्शन पर उनकी रचनाएं प्रसारित हो चुकी है। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जगदीश तोमर, शेवाल सत्यार्थी, स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र, कवि नीरज, शैल चतुर्वेदी जैसे अनेकों साहित्यकारों के साथ रह चुके हैं। छन छन कर आती ये धूप मेरे पर्दे से मेरे कमरे में, लड़ा बैठी आंखें मेरी दीवारों से, उनका चर्चित गीत रहा है। उनके तीखे व्यंग किसी तीर के वार से कम नहीं रहे हैं। मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, जिसने भी उठाई आँख उसे भेजना चाहता हूँ। क्या हुआ मेरे पास तलवार नहीं है, मैं कलम में ही बारूद भरना चाहता हूँ। काव्य के ऊर्जावान साहित्यकार श्री आनंद जी के निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वाले उनके निवास पर पहुंच गए थे। साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर स्वर्गीय आनंद जी को एन टाइम्स परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।